हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ राधिका, राधिका की बगिया में आपका बहुत बहुत स्वागत। देखिए दोस्तों, इतनी गर्मी पड़ रही है कि क्या बताएं। पौधों को मैं अंदर रखी हूँ, थोड़ा सा था। देखिए ये मनी प्लांट का पौधा किस तरह से सूख रहा था, पानी में रखी थी तो इसे मैं रख दी थी धूप में। इसका कलर देखिए, पत्ती का कैसा हो गया बेचारा। और इसको देखिए, ये भी थोड़ा धूप में था, इसकी पत्तियाँ देखिए सूख रही हैं एकदम। ये एकदम छाया में रखने वाला पौधा है दोस्तों। अब देखिए नीचे अंदर रखे तब इसकी पत्ती देखिए कितना अच्छा मुलायम मुलायम निकल रहा है। ये देखिए दोस्तों, ऑक्सीजन प्लांट है। ये देखिए, मेरी बेटी लाई थी तो बस पत्ती दी थी गाड़ के, उसमें से देखिए किस तरह से छोटे छोटे बच्चे निकल रहे हैं इसमें से। ये मेरा देखिए दे उसका चमेली का पौधा था, लग रहा है पूरा नहीं, धूप में था शायद, उसको धूप लग गया, पूरा नहीं धरा। इसमें से कल्ला निकल रहा है। इस समय किसी भी पौधों को लगाना ठीक नहीं है दोस्तों, सब सूख जा रहे हैं। ये देखिए, ये अपने आप से बेबी प्लांट निकल रहा है इसमें से। देखिए मनी प्लांट जो लगाए थे हरा है, धीरे धीरे ये भी सब अंदर हैं, तब बचे हैं बेचारे। इसको देखिए अलग से, देखिए एक पत्ती गाड़ी थी, देखिए बगल से किस तरह से बेबी प्लांट बन के कितना सुंदर पौधा निकला। कल 10:30 बजे आके मैं पानी वानी 9:30 बजे डाली पौधे में, 10:15 बजे नीचे गई मैं। देखिए ये भी देवी का है। सब मैं बरसात के मौसम में रिपोर्ट करूँगी, अभी नहीं। ये देखिए, ये भी लगाई हुई है, पंखे का है नीचे वाला हिस्सा, उसी में मिट्टी डाल के। इसको भी देखिए, ये भी है पंखे का। अब शाम को पानी दूंगी दोस्तों, बहुत धूप लग रहा है। इस समय धूप में पानी नहीं सही देना। पल्ला देखिए फेंक रहा है सेम की पत्ती हमारी, कितना अच्छा से निकल रहा है। इसको देखिए, कुंदरू का पौधा है, छोटा छोटा, किस तरह से देखिए कल्ला निकल रहा है, देख लीजिए छोटे छोटे कल्ले। इसको और उखाड़ दी थी, जो रह गया है वो देखिए, पपीता और झड़ गया, एक पपीता बचा है बेचारा। मनी प्लांट आगे बस इसमें पानी होने से धूल को पत्ते को धो देती हूँ। इसको देखिए हरा भरा है, पुदीना सूख गया है, पानी नहीं है इसमें। इसको देखिए, ये देखिए स्वेटर धोने वाले बॉटल में जो आता है लिक्विड, उसी के बॉटल में लगाए हैं, पूरा लाल बासा है ये स्वीट पोटैटो। टमाटर का हाल देख लीजिए, भिंडी देखिए हमारी, इसमें देखिए दो पौधे लगे हैं ये वाले, इसको उखाड़ के लगा दूंगी। ये देखिए इसे धूप में, यही पौधा बहुत अच्छा चल रहा है। बस इसमें अभी मिट्टी उट्टी और डालना है। इसको देखिए लगाए थे, कराई है देखिए, ये करेला मेरा मुरझा गया, ये भिंडी है अच्छे से। इसको देखिए मनी प्लांट एकदम छाया में है, पानी से इसे रोज कवरिंग करती हूँ। देखिए ये कल्ले नए नए आ रहे हैं। इधर देखिए गुलाब है, ये देखिए पौधा हरा भरा है, बरसात में खिलेगा फूल। ये सब फूल खिल चुका है दोस्तों, इसे काटना है। देखिए यहाँ से बेबी प्लांट निकल रहे हैं छोटे छोटे, इसको कैंची ला के शाम को काटेंगे। देखिए छाड़ दिए थे, नया नया कल्ला निकल रहा है। इतना देखिए निकाले हैं, इसी में लगाएंगे सब
शाम को लगाएंगे। सुबह टाइम नहीं मिलता, जैसे रात को आके पानी में 10 बजे आके पानी देती हूँ। ये सब देखिए लिक्विड वाला है मेरा जो साग सब्जी का था, और उस बोरे में रखी हूँ जो खराब सब्जी थी, बुरादा मिला मिला के रखती हूँ। और ये देखिए बाल्टी में सब धीरे धीरे अपना बैक्टीरिया काम कर रहे हैं। रात को इसे आके एक डंडे से चलाती हूँ। ये देखिए जो बोरा सिल थी सब इसी में, मेरा ड्राइवर आएगा, 2-3 डब्बा है, मैं बोरा पकड़ लूँगी, वो सब उसी में डाल देगा। दो टमाटर ये देखिए छाटी हूँ इसको भी, ये भी पौधा था। मनी प्लांट को देखिए कितना अच्छा, इसे भी मैं बरसात में कटिंग से इसको भी बनाऊंगी। और देखिए इसकी पत्तियाँ कैसे सूख रही हैं धूप की वजह से। बरसात में ये लिली का पौधा है, यही सब हमारे पास 2-3 पेड़ है लिली का, सब अलग अलग करके लगाएंगे। इसको शाम के आके देखेंगे। कल अजवाइन सोवा था, जो सूखा सोवा जो था उसको तोड़ ली हूँ, उसको मैं अलग से उसको उसका बीज निकाल के रखूँगी उसको। नीचे वाला पौधा इसको छाटी हूँ, इसमें भी छोटा छोटा बैगनी बैगनी फूल निकलता है। ये देखिए इतना सोवा हुआ है, इसको बीज इसका निकालेंगे, इसको अगले साल बोने के लिए काम में देगा। इसी तरह पालकी का बीज भी मेरा हो रहा है, पालकी भी निकाल के रख लेंगे, घर का बीज अच्छा रहता है। यहाँ पे भी अभी एक टब में रखा है वो, इसको भी मैं चलाती हूँ रोज। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। अब मैं वीडियो बंद करती हूँ। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।